हो गया स्टार्ट? वो डिवाइस एक बार कर देना चैट वाला, बाहर ही है शायद, मे बी। हाँ यार, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग चंचल शर्मा जी। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस लास्ट रिमेनिंग टाइप ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट रिमेनिंग टाइप जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हाट आर दीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में ये खत्म हो जाए। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? बेसिकली यहां हम करते क्या है, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इस सेल में। कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, देख लो जरा एक बार फटाफट। चैट चलते रहेगी। ओके, वट इज इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गीतांजलि जी, गुड इवनिंग अदिति। ओके, वट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जरा ध्यान से देखना। अ प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड to do some chemical change which is otherwise not possible, as such। बात का मतलब समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उस केमिकल प्रोसेस को कराना जो नेचुरली होना पॉसिबल ना हो। यानी बेसिकली क्या बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कर क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, समझो इस बात को, समझ लो, बस समझने के बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके क्या कर रहा हूं, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहा हूं।
देखना जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हर जगह पढ़ते आ रहे थे, चाहे किसी भी सेल की बात कर लो आप, कंसंट्रेशन सेल की बात कर लो या नॉन कंसंट्रेशन सेल की बात कर लो, रिवर्सिबल सेल की बात कर लो, रिडोक्स सेल की बात कर लो, मेटल आयन की बात कर लो, हम हर जगह क्या बोलते थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन अपने आप हो जानी चाहिए, और अगर रिएक्शन अपने आप होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जनरेट होगा, तभी करंट जनरेट होगा। हम वहां कर क्या रहे थे, केमिकल रिएक्शन से करंट जनरेशन का काम कर रहे थे। यहां क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बोल रहा हूं कि जो प्रोसेस ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल जो प्रोसेस है, केमिकल जो रिएक्शन है वो एज सच पॉसिबल नहीं है, वो करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना, यानी बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यहां स्टडी करूंगा। किसको स्टडी करूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को यहां पे स्टडी करूंगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो सकती है, सुप्रिया जी गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। अच्छा अब देखना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई साल्ट है, मेरे पास कोई साल्ट है, जैसे कैसा साल्ट है, NaCl है, NaCl है, NaCl। अब देखना जरा, अगर मेरे पास Na पॉजिटिव कहीं हो और उसकी प्रॉक्सिमिटी में Cl नेगेटिव आ जाए, तो ये तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं, ठीक है, देखना यही बोल रहा हूं, इज इट गुड, समझ में आया आपको। पर अगर NaCl है एज सच सिस्टम, मेरे पास ये पड़ा है किसी कंटेनर में है, सॉलिड स्टेट में है, तो कभी भी अपने आप ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं जाएगा। सॉलिड के अलावा अगर इसे मोल्टन स्टेट में ले लूं, NaCl इन मोल्टन, इन मोल्टन, मोल्टन, तो क्या कहूं कि ये NaCl कभी भी मोल्टन स्टेट में डेफिनेटली कैसे हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, लेकिन ये कभी भी Na प्लस Cl2 में नहीं जाएगा, Na प्लस Cl2 में कभी भी नहीं जाएगा, अपने आप ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। Na प्लस Cl2 रिएक्ट करके, 2Na प्लस Cl2 रिएक्ट करके जो है वो NaCl दे सकते हैं, ये नेचुरल रिएक्शन है, ये आपको देखने को मिलती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है, हम करा सकते हैं, लेकिन उल्टा कराना इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं है, इजिली फिजिबल नहीं है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो इजिली फिजिबल ना हो, वो अगर मैं क्या करूं, वो मैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से करवा पाऊं, तो ऐसे प्रोसेस को कहूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिक प्रोसेस समझ में आया, बेसिक प्रोसेस समझ में आया, जरा देख लो इसको ध्यान से, बेसिक सा प्रोसेस समझ में आया, बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अच्छा जरा देखना, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा क्या, ये मैंने एक सेल लिया, दिस इज अ सेल, समझ लो इस बात को फटाफट, और इधर मैंने क्या किया, NaCl का मोल्टन स्टेट में यहां जमा कर लिया, किसको जमा कर लिया, NaCl को जमा कर लिया इन मोल्टन स्टेट, किसको जी, NaCl को जमा कर लिया है मोल्टन स्टेट में, ठीक है। अब इधर कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को डाला, कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को डाला और इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। इस बैटरी पे पॉजिटिव एंड है ये और ये नेगेटिव एंड है, यानी क्या बोल रहा हूं, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन, मोल्टन यानी बीकर में सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही प्रेजेंट होंगे, Cl नेगेटिव ही प्रेजेंट होंगे। जैसे ही करंट फ्लो कराऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड बन जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स बन जाएगी, तो पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इस Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और नेगेटिव एंड इस Na को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है, सिंपल है मामला। तो पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे Cl नेगेटिव जाकर के क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो लूज कर देता है और बदल जाता है किसमें, Cl2 में, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, रिमूव कर देता है,
कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जब ये रिएक्शन देखने को मिली, हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज ने सीएल नेगेटिव को अपने पास बुलाया और इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, निकाल लिया और सीएल दूसरे सीएल से मिलकर के क्या करा, सीएल टू बना करके वहां से गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गया। यानी क्या बोल रहा हूं कि इस इलेक्ट्रोड पे सीएल टू गैस जो है वो निकल रही है। क्या निकल रही है जी, सीएल टू गैस जो है वो निकल रही है। दूसरी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, Na पॉजिटिव जब दूसरी इलेक्ट्रोड पे गया तो उसे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मिला, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक इसमें चला गया, Na में बदल गया। इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपल फॉर्म में लिख लो चाहे, ठीक है। यानी इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे Na इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड Na की फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड सोडियम देखने को मुझे यहां मिलेगा। मोल्टन मीन्स इन लिक्विड स्टेट, नहीं जी, मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट अलग अलग स्टेट होती है, मैं बताऊंगा आप लोगों को जरा ध्यान से। मतलब लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हो, हाँ लिक्विड बोल सकते हो, बट एक्वस इज समथिंग डिफरेंट, लिक्विड बोल सकते हो। मोल्टन का मतलब क्या है, हाँ लिक्विड बोल सकते हो, सेमी लिक्विड भी बोल सकते हो, मतलब क्या है कि Na को गर्म कर दिया है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड की तरफ ले आए हैं, बोल सकते हो, लिक्विड बोल सकते हो, हाँ पर एक्वस नहीं बोल सकते, सॉलिड लिक्विड बोल सकते हो, हल्का फुल्का लिक्विड आप बोल सकते हो, सिकंजी बोल सकते हो। जरा देखना, यहाँ ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, मोल्टन ही क्यों लिया, अगर सॉलिड फॉर्म में ले लेता तो आयंस एक दूसरे से क्लोजली टाइटली हेल्ड होते और चाहे कितना भी तुम पोटेंशियल लगा लो, इजी मूवमेंट नहीं हो पाती, आयंस फिक्स हो जाते हैं अपनी पोजीशन में, सॉलिड में फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाती, और अगर मूवमेंट नहीं हो पाती तो हम क्या बोलते कि इलेक्ट्रॉन, जब ये मूवमेंट ही नहीं हुई तो प्रोसेस कुछ हुआ ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां क्या हुआ, जब ये मूवमेंट, फ्री मूवमेंट हो पाई आयंस की, मोल्टन स्टेट एंड लिक्विड स्टेट में क्या फ्री मूवमेंट है, तो ये इजीली एक एंड से दूसरे एंड जा पाए, सीएल नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, Na पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा पाए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और जब ये Na पॉजिटिव वहां गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Na में बदल गया, सीएल नेगेटिव जब वहां गया तो अपना इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया और सीएल टू में बदल गया, गैस की फॉर्म में यहां से निकल गया, ठीक है। अब ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, हो क्या रहा है, माइनस वन से जीरो पे जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस डेफिनेटली। नीचे वाली रिएक्शन में देखो, प्लस वन से जीरो पे जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्या हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, यस डेफिनेटली। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो जाए उसे क्या बोलता हूं, उसे क्या बोलता हूं, एनोड, एनोड बोल देता हूं, एनोड बोल देता हूं, एनोड पे हो रही होगी ऑक्सीडेशन तो मुझे पता है, आयुपैक बोलता है बात। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो जाए उसे क्या बोलता हूं, कैथोड, उसे कैथोड बोल देता हूं, तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी। यानी एनोड कौन है, इधर ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। अभी तक हम लोगों ने जो सेल पढ़े हैं वो कौन से सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहां क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन एनोड पे ही हो रहा था, तो आयुपैक ने फिक्स कर दिया है, और लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड लेना है, ये भी फिक्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वहां एनोड नेगेटिवली चार्ज था, जब भी तो मैं क्या पढ़ता था वहां पे, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये पढ़ता था, किसके लिए था ये, ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव, यहां क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिवली चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कैथोड एनोड के साइंस बदल गए हैं, लेकिन जो फंक्शनिंग वहां हो रही है वो अब भी हो रही है, एनोड पे अब भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, अभी भी ये लेफ्ट में ही है, कैथोड पे अब भी रिडक्शन ही हो रहा है और अभी भी ये राइट में ही है। लेकिन ये याद रखना कि अब इलेक्ट्रोड का साइन बदल गया है, अब ये जो है एनोड एक ऐसा साइन का है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहां कैसे साइन का है, नेगेटिवली चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में हमें उल्टा देखने को मिलता था, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता था। इंपॉर्टेंट बात आपको जो यहां से उठानी है वो ये उठानी है, ठीक है। एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आ गया था, हां जी, एक्वस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस 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 सिकंद जी बिल्कुल सही, एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आ गया था, इज ऑन एनोड ऑलवेज नेगेटिव,
तो कई बच्चे यस कराए तो उसे ट्रू स्टेटमेंट मान लिया था, पर ऐसा नहीं है. एनोड कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ सेल वी आर टॉकिंग अबाउट. किस टाइप ऑफ सेल की मैं बात कर रहा हूं उस पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है. समझ में आया? तो ये रिएक्शन है. ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाओगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाओगे तो कैसा देखने को मिलेगा, ये दोनों की दोनों सेल रिएक्शन को क्या करो, ऐड कर दो. तो फॉर सेल रिएक्शन, जब मैं सेल रिएक्शन लिखता हूं, सेल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखना जरा. सेल रिएक्शन जब लिखूंगा इस सेल के लिए तो क्या देखने को मिलेगा, 2Cl नेगेटिव गिविंग Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए. और यहां क्या देखने को मिलेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू Na. यानी सेल रिएक्शन कैसी देखने को मिलेगी जी, सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी 2Na पॉजिटिव प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव चेंजिंग इनटू 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2. और ये नेचुरली अकरिंग रिएक्शन नहीं है, यानी प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस. प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. नॉन स्पॉन्टेनियस है का मतलब क्या, डेल्टा G विल बी पॉजिटिव. और अगर डेल्टा G पॉजिटिव है, देखना अब ये बड़ी जल्दी जल्दी समझ जाओगे आप लोग, डेल्टा G किसके बराबर होता था, माइनस NFe के बराबर होता था. इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव तो ये पार्ट पूरा पॉजिटिव कब होगा, जब N के आगे एक माइनस तो है ही है, N और F कांस्टेंट है, तो E कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. यानी यहां E सेल कैसी होनी चाहिए, या फिर मैं कहूं E नोड सेल कैसी होनी चाहिए अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात करता हूं, सो E नोड सेल मस्ट बी नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. डेल्टा जी नोड या डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ऑलवेज रिमेंबर, वहां क्या बोलते थे, E नोड मस्ट बी पॉजिटिव, यहां उल्टा है, E नोड मस्ट बी नेगेटिव. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूं, डेल जी, देखना सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन के हिसाब से मैंने फ्री एनर्जी को डिफाइन किया है, इस रिएक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, नॉट अकॉर्डिंग टू द बैटरी, नॉट अकॉर्डिंग टू द बैटरी, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मैंने ये स्टेटमेंट आपको दी है. ये स्टेटमेंट ओसीन जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये स्टेटमेंट आपको दी है, ठीक है. अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना. कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट मान लो, बेसिकली हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप मान लीजिए, एनी इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई टेक ZnCl2 इलेक्ट्रोलाइट, तो Zn2 पॉजिटिव होगा, 2 और वहां Cl नेगेटिव होगा, और यहां क्या देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रोड होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रोड होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा. जो कि कैसा चार्ज होगा जी, नेगेटिवली चार्ज होगा. आपस में ये बैटरी से जुड़े हुए होंगे. बैटरी क्या करेगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी है. जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, देखना क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड पे आकर के अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहां Zn2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड वो जगह है जहां आयंस अपना चार्ज लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जीरो कर लेते हैं. समझे इस बात को, इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रहा होता है, कंबाइंड स्टेटमेंट है ये. एट इलेक्ट्रोड्स आयंस लूज देयर चार्जेस रेस्पेक्टिव चार्जेस जीरो चार्ज की तरफ चले जाते हैं. बेसिकली आयनिक फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म बन जाता है. इस पर्टिकुलर सीन के लिए रिएक्शन कैसा होगा, देखना जरा. ऑक्सीडेशन तो वही, 2Cl नेगेटिव गोइंग इनटू Cl2 प्लस Cl2 के साथ साथ क्या होगा, साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा. माइनस वन से जीरो जा रहा है, तो ये एनोड पे रिएक्शन है. यानी ये कैसी रिएक्शन है जी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी आप लोगों को मालूम है. Zn+2 क्या करेगा, Zn+2
टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जाएगा Zn सॉलिड में। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाओगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसी होगी वो आप लोग इजीली यहां से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना, रेस्ट जो भी बच जाए वो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। और वो कैसी देखने को मिलेगी, Zn प्लस टू प्लस टू Cl नेगेटिव गोइंग इन टू Zn प्लस Cl2, Zn प्लस Cl2। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती, जब इनकी रिएक्शन से Zn Cl2 बन जाता, तो स्पॉन्टेनियस। ये क्या है प्रोसेस, एंटायरली नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, डेल जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, इन जनरल, इन जनरल अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टाइप का, तो जो कैटायनिक पार्ट होगा उसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जो एनायनिक पार्ट होगा उसका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इन जनरल जो कैटायनिक पार्ट है वो जनरली क्या होगा, मेटल होगा, मेटल होगा, और जो एनायनिक पार्ट है वो जनरली क्या होगा आपका, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। यही होता है, यही होता है साल्ट के केस में। आप कोई भी साल्ट लिख लो, NaCl, Cl क्या है, नॉन मेटल है, Na क्या है, मेटल है, KCl, K मेटल है, Cl नॉन मेटल है, KOH, H जो K है हमारा वो क्या है, मेटल है, OH क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल एक स्पीसी है, बेसिकली कोवलेंट स्पीसी है। तो इसी टाइप का कुछ हमें देखने को मिलता है। जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, जो नॉन मेटल स्पीसी होंगी दे कैन ईदर ईदर अपॉन लूजिंग चार्ज, चार्ज लूज करने के बाद या तो वो सॉलिड स्टेट में जा सकती हैं या गैसियस स्टेट में जा सकती हैं। ज्यादातर गैसियस स्टेट में बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जनरली हम हैलाइड्स पढ़ते हैं और हैलाइड्स में हमें पता है कि वो न्यूट्रल स्टेट में हैलाइड कैसे बिहेव करते हैं, एज डाई मोलिकुलर गैसेज। हैलाइड F2Cl2 Br2I2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल स्टेट में, और यहां हो क्या रहा है, चार्ज ही तो लूज कर रहे हैं, बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में जा रहे हैं। तो जनरली क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल कैसी देखने को मिलेगी, गैसेस बनाती हुई नजर आएगी, जबकि जो मेटल्स होंगे वो किस स्टेट में जाते हुए नजर आएंगे, सॉलिड स्टेट में जाते हुए नजर आएंगे, सॉलिड स्टेट में जाते हुए नजर आएंगे। समझ में आया इतना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लॉस नहीं होता चार्ज, देखना जरा ध्यान से। अब ये भी देख लीजिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम रिएक्शन पढ़ते थे, Zn जाता था Zn2 पॉजिटिव में, बिल्कुल पहली रिएक्शन थी, तो चार्ज क्रिएशन होता था और सॉल्वेंट पॉजिटिव चार्ज का हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज का लॉस। तो वहां वहां हमें क्या देखने को मिलता था, Cu अपना चार्ज लॉस कर देता था, और किस में जाता था, Cu0 में जाता था, यानी लॉस एंड गेन ऑफ चार्ज चलता रहता था। और जनरली मेटल्स का खेल ज्यादा होता था, अनलेस अनटिल कि हमने नॉन मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली है, जैसे H2 इलेक्ट्रोड की बात कर लो, वरना मेटल्स का ही लॉस और गेन हम देखते थे। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टाइप का, उसमें एक पार्ट मेटल होगा, एक नॉन मेटल एक पार्ट होगा, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, जीरो चार्ज की तरफ जाएंगे। सुप्रिया जी ने पूछा था एक क्वेश्चन, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो, सुप्रिया जी होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है, ओके ओके जी समझ गए। अब देखना, यहां भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बड़ा ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है, सपोजिवली मैं एक सेल इमेजिन करता हूं, ये मेरे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर में अब की बार मोल्टन की बजाय मैं क्या ले लेता हूं, अब की बार मोल्टन की बजाय मैं ले लेता हूं NaCl एक्वस, एक्वस NaCl मैंने ले लिया। एक्वस NaCl का मतलब क्या है, NaCl डिसॉल्वड इन वाटर, NaCl डिसॉल्वड इन वाटर, H2O में डिसॉल्वड है NaCl, किस में डिसॉल्वड है जी, H2O में डिसॉल्वड है NaCl, देखना। यानी क्या है, इसी सिस्टम के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, और OH नेगेटिव भी यहां प्रेजेंट है। और अब इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स लगा दी, जिनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिनको किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जाएंगे और नेगेटिव पे
पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जाएंगे, यही होगा, यही होगा, यस यस, ठीक है। यानी अब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए Na और H पॉजिटिव के बीच में जंग है, कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेते ही क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में एक कॉम्पिटिटिवनेस है कि कौन इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा न्यूट्रल स्टेट में जाने से पहले, यानी कौन ऑक्सीडाइज होगा पहले। तो ऐसी स्टेट में कॉम्पिटिटिवनेस में हमेशा ये देखने को मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन के केस में हमेशा ये देखने को मिलता है कि जिस भी आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कैटायन की बात कर रहा हूं, अगर मल्टीपल कैटायंस होते, NaCl, H2O, इसी में थोड़ा KCl भी डाल देता, इसी में थोड़ा सा AgBr भी डाल देता, एक एनायन भी बढ़ा दिया, एक कैटायन भी बढ़ा दिया, तो क्या देखने को मिलता कि आउट ऑफ ऑल द गिवन कैटायन इन द सॉल्यूशन, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेंगे। सिमिलरली जिस भी एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, या कहूं रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, वो क्या करेगा, फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या करेगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, केवल वो, बाकी सारे क्या रह जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। ये समझना जरा ध्यान से, सर OH की एनोड पे जाने की स्पीड ज्यादा होगी ना, स्पीड से ज्यादा डिपेंडेंसी है इस बात की कि सबसे बड़ी जो रीजन है वो इस बात की है, स्पीड से ज्यादा जो रीजन है यहां वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ रिमेंबर दिस, इस चीज को आप लिख लीजिए फटाफट, लिख लो इस चीज को, आउट ऑफ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव स्पीसी विद मोर रिडक्शन पोटेंशियल will get reduced। अब आपको पता है Na क्या है, मेटल है, और Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताती है रिडक्शन पोटेंशियल, और Na बनाता है, सेम H पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाता है, ये आप लोगों को मालूम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो लेते हैं, और इसका किस में आता है, इसका आता है माइनस में, नेगेटिव सम वैल्यू, यस, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज द बिगर वैल्यू, नेगेटिव से तो जीरो बड़ा है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Na और H में से सिर्फ और सिर्फ H इलेक्ट्रॉन लेगा, Na नहीं ले पाएगा, यानी H का रिडक्शन होगा, यानी अब एक्वस के केस में कैथोड पे क्या देखने को मिलेगा, लिबरेशन ऑफ H2 देखने को मिलेगा, देखना कैथोड, एट कैथोड कैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी मुझे, कैथोड पे मुझे कैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी जी, H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा, यानी लिबरेशन ऑफ H2 देखने को मिलेगा, कैथोड से H2 गैस निकलेगी, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो तो रिड्यूस होना चाहेगा, जिसका कम वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिसका कम है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, लिख लो इस बात को, इसको भी लिख लेना, आउट ऑफ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव स्पीसी विद लेस रिडक्शन पोटेंशियल will get oxidized less reduction potential। अब आप electrochemical series को देखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि Cl negative और OH negative में से किसका reduction potential कम है, यानी किसका reduction potential कम है, तो वो जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ कि Cl negative का reduction potential कम है, इसीलिए इन दोनों में से Cl negative क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, यानी कैथोड पे मुझे, एनोड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, जरा देखना, कैथोड पे H2 निकला, एनोड पे क्या निकला,
Cl2 गैस का लिबरेशन हुआ। Cl2 गैस का क्या हुआ जी? लिबरेशन हुआ। यानी ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दी हैं, कौन कौन सी, NaCl मिक्स कर दिया है और KOH मिक्स कर दिया है या फिर KBr मिक्स कर दिया है, NaOH एंड KBr, आउट ऑफ दीज विच गैस विल लिबरेट एट कैथोड और विच गैस विल लिबरेट एट एनोड, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डू रिमेंबर दिस। हाँ जी बिल्कुल, एच पॉजिटिव रिड्यूस होगा, बिल्कुल एच पॉजिटिव रिड्यूस होगा जी, बता यही बात मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सही बात है, एच पॉजिटिव रिड्यूस होकर एच टू गैस बना देगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, इजी सा मामला है। कंपिटिटिवनेस, कंपिटिटिवनेस की यहां हमें देखने को मिलेगा, बाकी आयंस क्या रह जाएंगे, सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन किसका बचा, Cl गया, H गया, सॉल्यूशन बच गया सिर्फ और सिर्फ NaOH का। यानी ऐसा भी क्वेश्चन लिया जा सकता है कि इनिशियली फॉर ए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वी स्टार्टेड विद NaCl सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन विल बी रिमेंड ऑफ NaOH ओनली, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से आएंगे। समझ गए, समझ गए, ठीक है, समझ में आया जी? अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, समझ में आया है तो वेरी गुड, समझ में आया है तो वेरी गुड। देखना जरा, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, रिडक्शन रिएक्शन कैसी हो सकती है, रिडक्शन रिएक्शन जो हो सकती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वो कैसी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दे, Na बना दे, या फिर क्या बताऊं, Zn2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दे, Zn बना दे, Cu2 पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दे, Cu बना दे, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दे, H2 बना दे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट देखते आप बता दोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिएंगे, इजी सा मामला है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, Al3 पॉजिटिव जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दे, एल्यूमिनियम बना दे, या फिर क्या बोल सकता हूँ, Mg2 पॉजिटिव जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना दे, Mg बना दे, कुछ ऐसी रिएक्शन मुझे देखने को मिलेंगी। आउट ऑफ दीज रिएक्शन मैक्सिमम विल इन्वॉल्व मेटल, और अगर मेटल इन्वॉल्व होगा तो वो सॉलिड स्टेट में जमा होगा, और अगर नॉन मेटल होगा तो वो गैस की फॉर्म में वहां से निकल जाएगा। ये जब सॉलिड स्टेट में जमा होता है तो कहां जमा होता है, मेटल जाता है इलेक्ट्रोड पे जाकर के जमा हो जाता है, चिपकने लगता है, इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ने लगता है, या उस इलेक्ट्रोड पे उस पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला, समझ लो इस बात को, समझ लो इस बात को, ये जो मेटल है दिस गेट डिपॉजिटेड, दिस गेट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ऑन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, और जो ये गैस लिबरेट होती है ये कहां निकलती है, गैस गेट लिबरेटेड, गैस गेट लिबरेटेड निकल जाती है इलेक्ट्रोड के बगल से ही, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, कहां होंगी ये रिडक्शन रिएक्शन, कैथोड पे होंगी, कैथोड पे होंगी, ये बात समझ में आई। सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और गैस क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, गैस क्या होगा, लिबरेट होगी, निकल जाएगी यहां सिस्टम से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं पढ़ता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां होंगी जी, एनोड पे होंगी, जनरली कैसी होगी, फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव है, 2Cl नेगेटिव है, क्या देगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गैसियस फॉर्म में है तो निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। OH नेगेटिव है, क्या देगा, H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो तो रिएक्शन आप लोगों को याद होंगी, इनमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बैलेंसिंग करना होगा, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। O2 नेगेटिव है, क्या देगा, खाली O2 देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स देगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज तो आप लोगों को मालूम है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यू कैन राइट
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यू कैन इजिली राइट, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इन सेल्स के लिए, सेल्स की बेसिक फंक्शनिंग जो मैंने आप लोगों को बताई, क्या बोला कि इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे और गैस क्या करेंगे, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। इंपॉर्टेंट सवाल क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इन सेल के लिए फैराडे के लॉ से। फैराडे ने लॉज दिए हैं कुछ कि ये जो इलेक्ट्रोड पे मेटल जाके जमा हो रहा है इसका कितना वेट जमा होता है, कितना वेट जमा होता है, कैसे बता सकते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, उसके बारे में लॉज दिए हैं फैराडे ने, और वो पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिक कहानी थी पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कंपिटेटिवनेस की, ये सब की, ये सब आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ये तो आपका बेसिक आपका बिल्ड है। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है फैराडे के ला, जो बताते हैं कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ होगा किसी मेटल का, या कितनी अमाउंट ऑफ गैस निकली होगी किसी इलेक्ट्रोड पे अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ करंट पास किया बैटरी से फॉर एक्स वाई अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर वाई अमाउंट ऑफ टाइम। उन सब की चर्चा करनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टॉपिक का आप हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी फैराडेज लॉ। फैराडे के बेसिकली दो लॉ हैं, दोनों लॉ को आज हम खत्म कर लेंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, जरा देखना ध्यान से। फैराडेज लॉ, और वी कैन ऑल्सो राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है, पहला लॉ ऑफ फैराडे क्या है, लिख लो जरा डेफिनेशन इस बात की। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिखो इस बात को फटाफट, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of charge passed through the solution of electrolyte के सॉल्यूशन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड और द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट हुआ है या कितनी गैस निकली है, समझ में आई ये स्टेटमेंट आप लोगों को, बताओ फटाफट मुझे। इसमें ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट भी तो होता है जी, वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो भी पढ़ेंगे। अभी तो हमें वो भी चीज़ें पढ़नी है, क्या कहते हैं, पोलेरोग्राफी आपकी या फिर कुछ भी टाइट्रेशंस हैं कुछ कुछ आपकी, वो भी पढ़नी है। तो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। सिलेबस पूरा नहीं होगा जब तक क्लास हम चलाएंगे, डोंट वरी, और जल्दी ही करा देंगे। ओके जी, ईजी है ये, आज की क्लास काफ़ी ईजी है, वेरी वेरी ईजी है। यानी मैंने क्या बोला, अगर W इज द वेट, इफ W इज द वेट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q,
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो चार्ज होता है वो क्या होता है? आई इंटू में टी, आई इंटू में टी। आई क्या है बेसिकली? आई इज करंट, करंट किसमें लेते हैं? एम्पियर में, एम्पियर में। और टी क्या होता है? टी होता है टाइम, टाइम किसमें लिया जाता है? बेसिकली सेकंड्स में। क्यू क्या है? चार्ज है, चार्ज है। और ये कूलम में लिया जाता है, कूलम में लिया जाता है। बेसिकली है क्या, बेसिकली है क्या, देखना जरा। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि करंट जो जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने समय के लिए किसी एक चीज से पास किया है। सपोज एक वायर है और ए टू बी जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पास हो रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना चार्ज होगा, और वो कुछ 30 मिनट तक इधर से उधर पास हुए हैं, तो कितना करंट जनरेट किया वो कैसे बताएंगे? क्यू बाई टी से बताते हैं। यानी चार्ज कितना, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है कितने समय के लिए हुआ है, उसे क्या बोल देता हूं? करंट। या फिर चार्ज को क्या बोल दूंगा? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम बोल दूंगा, ऐसा भी बोल सकता हूं, नॉट ए बिग डील। तो क्या बोलूंगा? जो ये वेट ऑफ सब्सटेंस, डब्ल्यू क्या है बेसिकली? डब्ल्यू इज द अमाउंट, और यू कैन से वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ऑन इलेक्ट्रोड। आज ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का जरूर कराऊंगा। थोड़ा सा एनर्जी लो हो सकती है, आज थोड़ी सी तबीयत हल्की सी डाउन है, तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। तो यानी क्या बोलूंगा कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है किसके? I इंटू टी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है? I इंटू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। ये हो सकती है क्या? होगी डेफिनेटली, क्यों किसके बराबर है? आई टी के बराबर है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कि कितना करंट पास किया कितने समय के लिए उस इलेक्ट्रोड से, उस सॉल्यूशन को कितना करंट दिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये वेट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। ओके जी, बता देंगे शिकन जी, बता देंगे पोलराइजेशन बारे में कुछ बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ओके जी, देखना, समझे? और इसी को प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाता हूं तो इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू जेड आई टी। क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या है? जेड एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया है। जेड को क्या बोलता हूं बेसिकली, क्या बोलता हूं, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकली, केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीई भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या होगा ये? जेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस। सब समझ में आ जाएगा, बस आप ये बातें समझते जाइए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एफ मींस फैराडे, फैराडेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। ये किसकी बात होती है? जेड की बात होती है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है चार्ज कैरिड बाय, कैरिड बाय वन मोल, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और अगर वन मोल की बात करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या कहूंगा? वन मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, यानी 6.023 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से जो वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी आती है? 96485 कूलाम, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 96500 कूलाम भी लिख देते हैं। ये याद रखना, ठीक है? समझ में आया? जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फैराडे, डिवाइडेड बाय फैराडे।
याद रखना जेड की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है। कैसे, इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाय क्यू, आई टी क्यू के बराबर है। तो क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं जरा देखना, जेड क्या है, जेड इज बेसिकली अब देखना, अगर मैंने क्यू को चार्ज को रख दिया है 1 फेराडे के बराबर, if charge is equal to 1 farade, I can also define Z as the amount of weight deposited of an electrolyte on an electrode when we pass 1 farade of charge is known as electrochemical equivalent। किसी भी आयन का या इलेक्ट्रोलाइट का कितना वेट जमा हुआ है एक इलेक्ट्रोड पे, जब 1 फेराडे चार्ज को पास किया, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां से ये डेफिनेशन भी दे सकता हूं, इफ क्यू इज वन फेराडे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, बस 1 फेराडे चार्ज पे कितना वेट जमा हुआ उसी को क्या बोल देता हूं, जेड भी बोल सकता हूं। ये बातें समझ में आई क्या दोनों तीनों, सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा जी, आप पहले ये बताइए बातें समझ में आई क्या, इसको धीरे धीरे समझते जाओ, एडवांस चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी बातें हैं बताने को, जरा ध्यान से बताना मुझे ये बात समझ में आई आप लोगों को, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, बेसिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, यानी फैराडे कांस्टेंट कितना 96500, और जरा ध्यान से देखना इसकी एक और डेफिनेशन देख सकता हूं, द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, 1 फेराडे चार्ज को जब सॉल्यूशन से पास करूंगा तो कितना वेट जमा हुआ है उसे क्या बोल सकता हूं, उसे बोल हूं मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देख लेना, होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। W इज इक्वल टू जेड आई टी, और वी कैन से W इज इक्वल टू जेड इनटू में क्यू भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया है तो फटाफट यस या नो टाइप कर दो मैसेज में, जल्दी से बता दो जी, फटाफट बता दो, फिर इक्विवेलेंट वेट की बात करूंगा, जल्दी से बता दो फटाफट, फिर इक्विवेलेंट वेट की बात करूंगा। यस सर, हर्ष का मैसेज आ गया है, यस सर, बाकी और लोग कहाँ हैं, फटाफट मैसेज करके बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए जल्दी से। अब देखना, यहां क्या यूज हुआ है, इक्विवेलेंट वेट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम बात करते हैं या फिर साल्ट के लिए जब हम बात करते हैं, फॉर साल्ट इक्विवेलेंट वेट बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, ये हर एक के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। साल्ट के लिए हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ आयन, जिस भी आयन का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव का निकालना है, Na पॉजिटिव के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1। Al3 पॉजिटिव के लिए कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जो होता है किसी भी इक्विवेलेंट वेट का, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या है ये एन फैक्टर, या फिर इसको आप वैलेंसी भी बोल देते हो, किसके केस में, आयंस के केस में। अब जरा ध्यान से देखना, इसी की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है जब हम अलग अलग टाइप के सब्सटेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेस की बात करूंगा, फॉर बेस इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है, यानी कितना एसिडिटी, कितना एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कितना OH नेगेटिव दे सकता है, उसी को बोलते हैं। फॉर एसिड अगर मैं बात करूंगा तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी
बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ये दो H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आयन्स का केस, तो आयन में हम क्या करेंगे, जो चार्ज होगा उसी से बस उसको डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर वेट को, बस इतना सिंपल सा काम है और कुछ भी मुश्किल इस मामले में नहीं है, कुछ भी मुश्किल इस मामले में नहीं है। यानी यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेला मेरा W किसके बराबर हो गया, W will be equal to मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिकली किसके बराबर हुआ, ZIT, देख लो जरा ZIT, Z किसके बराबर है, Z है इक्विवेलेंट वेट, जिसको EQ से दिखा रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F मींस फैराडे कांस्टेंट इनटू में I इनटू में T, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n बेसिकली चार्ज ऑफ आयन लेना है हमें यहां, मल्टीप्लाइड बाय फैराडे इनटू I इनटू T, ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड का फॉर्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड का फॉर्मूला है ये। सुप्रिया जी कह रहे हैं क्लियर, चंचल जी कह रहे हैं क्लियर, कनिका जी भी क्लियर, पिंकी यादव जी भी क्लियर, ओसीन जी भी क्लियर, हर्ष का भी क्लियर था पिछला कंसेप्ट। अब ये फार्मूला क्लियर है या नहीं, बस ये बता दो फटाफट, अब ये बता दो फटाफट, अब ये बता दो फटाफट, क्लियर है सर, वेरी गुड, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया है जी। अच्छा देखना जरा, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। सिंपल सा मामला था, अब देखना मैं क्या कह रहा हूं कि एक CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। इसी चीज को मैं ड्राइव भी कर सकता हूं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड से इसको ड्राइव भी कर सकता हूं, यूनिटरी मेथड से इसको ड्राइव भी कर सकता हूं। कैसे ड्राइव कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, मेरे पास CuSO4 है, CuSO4 पॉजिटिवली मेरे पास क्या है, CuSO4 है, सॉल्यूशन है इसका CuSO4 का, और मैंने क्या कहा कि मैंने 5 एम्पियर का करंट पास किया 30 मिनट तक, तो कितना अमाउंट Cu का डिपॉजिट हुआ होगा, कितना अमाउंट ऑफ Cu क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। याद रखना यूनिट्स हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, यानी करंट एम्पियर, टाइम हमेशा किसमें, सेकंड में। तो जरा देखना Cu2 पॉजिटिव है, CuSO4 बेसिकली क्या, Cu2 पॉजिटिव है, ये Cu में कन्वर्ट होगा जब भी जाकर के डिपॉजिट होगा, और वो कन्वर्ट कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा Cu सॉलिड में, यही बात है। यानी क्या कह रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से क्या कह रहा हूं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी वजह से 1 मोल ऑफ Cu क्या करता है, डिपॉजिट होता है, 1 मोल ऑफ Cu गेट डिपॉजिटेड। समझ में आई ये बात, ये तो आसान सी बात है, ये तो बड़ी ही आसान सी बात है। 1 मोल ऑफ Cu का वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कितना, 63.5 ग्राम। तो यही बात ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 63.5 ग्राम ऑफ Cu क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा। यस नॉर्मल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी सा मामला, इजी सी बात, बिल्कुल इजी चल रहा है अभी तक, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल वाला मामला नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना जी, 63.5। अच्छा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 फैराडे चार्ज, यानी कितना चार्ज, 96500 कूलम चार्ज, इतना चार्ज को कैरी करते हैं। तो 2 मोल कितने को कैरी करेंगे, 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज
क्या करेगा, 63.5 ग्राम ऑफ CU को डिपॉजिट करेगा। समझ में आ गया इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, तो देखना जरा, तो देखना जरा, समझना इस बात को। अगर इतना कूलम चार्ज इतने वेट को डिपॉजिट करता है तो 1 कूलम कितने को करेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट कितना, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 ग्राम ऑफ कॉपर। यस, ठीक है। अगर इतना कूलम चार्ज इतने वेट को करता है तो 1 कूलम कितना करेगा, इसको उठा के इसके डिवाइड में कर दो बस, ठीक है। दिया कितना है, 5 amp 30 minute, 5 amp 30 minute का मतलब क्या, 5 × 30, 30 मिनट को सेकंड में कर दो, गुणा 60, इतना कूलम आपको दिया है कि इतना कूलम कितना करेगा, 1 कूलम करता है इतना, तो इतना कूलम कितना करेगा, इतना कूलम कितना करेगा, कितना है जरा देखना, जरा देखना ध्यान से, 6 × 3 = 18, 5 = 90, ओके 9000 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कितना करेगा, कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करेगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आया है 9000 या 940 जितना भी है, मल्टीप्लाइड बाय दिस मच चार्ज, यस मल्टीप्लाइड बाय दिस मच चार्ज, या इसको आप ऐसा का ऐसा रहने दो, इसी फॉर्म में रहने दो, इसी फॉर्म में रहने दो, मत करो सोल्व, इस फॉर्म में रख लो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 × 30 = 60, यस 30 × 60 क्या बोल सकता हूं, 1800 seconds बोल सकता हूं, यानी वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, जो हमको दिया है कितना होगा, वो होगा 63.5 बाय 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 1800। अब ये क्या है देखना, इसी इसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, इसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, ये है आपका मोलिकुलर वेट, ये है आपका एन फैक्टर, यानी कितना चार्ज है इस आयन पे, इसी की बात कर रहा हूँ, इस आयन पे 2 चार्ज था तो एन फैक्टर 2 हो गया। ये क्या है आपका फैराडे है, ये आपका फैराडे है, ये क्या है आपका आई की वैल्यू, और ये आपकी क्या है टी की वैल्यू। तो यहां से भी फॉर्मूला क्या निकल करके आया, वही एम ओवर NF IT। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है। क्या बोलोगे कि सिंपल रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखने के बाद हमने देखा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ CU डिपॉजिट होता है, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना डिपॉजिट होता है, 63.5 ग्राम, 1 मोल पे 96500 कूलम चार्ज होता है, तो 2 मोल पे कितना होगा, 2 × 96500 कूलम चार्ज, तो इतने चार्ज से इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो 1 कूलम से कितना हुआ, जितना भी वेट डिपॉजिट हुआ उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 × 96500 से, गिवन चार्ज कितना है I × T, इस चार्ज से कितना होगा, उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे वेट ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर निकल करके आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा लॉजिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता देना, जिसको भी दिक्कत हो, जिसको भी परेशानी हो वो बता देना, वो बता देना, ठीक है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, एम बाय एन बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही तो है, मास मोलर मास बाय एन वैल्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बाय एफ आई टी, ई रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट वेट, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है देखना, कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, इलेक्ट्रोलाइट का एक पार्ट आपका क्या होगा, मेटल होगा, मेटल होगा, तो इससे क्या पूछ सकता है कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ या कितने मोल बने, नंबर ऑफ मोल, वेट या फिर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है। बी जो है वो आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल के लिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है जरा देखना, नॉन मेटल के लिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, यहां आपसे पूछ सकता है वेट कितना निकला इसका, कितना वेट इसका जमा हुआ, या फिर पूछ सकता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, वेट जब पूछेगा जब सॉलिड होगा, अगर सॉलिड नहीं है गैसियस है तो क्या बोलेगा, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड, गैस रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड, ये भी आपसे पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड आपसे पूछ सकता है,
ठीक है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। एम की, एम मेटल के लिए क्या पूछ सकता है, देखना मेटल के लिए आपसे पूछ सकता है वेट और नंबर ऑफ मोल्स। नॉन मेटल के लिए अगर गैस निकलेगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वेट पूछेगा या नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा, वेट पूछ लेगा या नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा। वेट किसी का भी पूछा हो, मेटल या नॉन मेटल, सिंपल फॉर्मूला है जो अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, W इज इक्वल टू एम ओवर एन एफ आई टी, सिंपल फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम ओवर एन एफ आई टी। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, तो कंफ्यूज मत हो जाना। गिवन वेट ओवर मोलिकुलर वेट, यानी या फिर डिपॉजिटेड वेट ओवर मोलिकुलर वेट, क्यों नंबर ऑफ मोल्स कितने डिपॉजिट हुआ है वो पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, डिपॉजिटेड वेट, डिपॉजिटेड वेट ओवर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट होगा। यानी क्या बोल सकता हूं, किसके बराबर बोल सकता हूं, डब्ल्यू बाय एम होगा, डब्ल्यू बाय एम, डब्ल्यू बाय एम मतलब क्या, M को बस इधर ले आओ तो बचा हुआ फॉर्मूला एक ही बात है, W by M किसके बराबर है, IT divided by NF के बराबर आपका ये आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, चाहे मेटल की पूछ ले चाहे नॉन मेटल की पूछ ले, दोनों के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है। समझ में आई ये बात, हाँ या ना बोल दो फटाफट बताओ, समझ में आया, इजी है ना मामला, देखना कितना आसान सा मामला चल रहा है, 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 दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लास्टली आपसे क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है जी, क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम आप कैसे बताओगे, वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन पे, देखना 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 जरा, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, देखना जरा और समझना इस बात को। अगर आपको कंडीशन कहीं भी दिखा मिल जाए एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो जरा गैसियस थ्योरी को थोड़ा सा याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होता था, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर्स, इसके बराबर होता था, ये तो आपको पता है। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल रखे हैं, आईटी ओवर एनएफ के बराबर है। तो एट एसटीपी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड विल बी इक्वल टू किसके बराबर, आईटी एन डिवाइडेड बाय एनएफ मल्टीप्लाइड बाय 22.4, ये लीटर्स में आपको वैल्यू दे देगा, ये किसमें वैल्यू दे देगा, लीटर्स में आपको वैल्यू दे देगा। और अगर इसके अलावा कोई और टेम्परेचर कंडीशन है, एट एनी अदर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एट एनी अदर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, अगर कोई और आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी है, कोई और कंडीशन दी है अदर देन एसटीपी, तो हम क्या करते हैं, इन दिस सिनेरियो वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा मैं जी, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी, और देखना जरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी मेरे को वी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू एन वैल्यू, नंबर ऑफ मोल तो यही है, यानी कितना, आई इंटू टी बाय एन एफ, और बाकी सारा का सारा आपको पता है, आर टी आपको दिया मिलेगा, उसे प्रेशर से डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस का, किसका फॉर्मूला निकल करके आ गया जी, ये वॉल्यूम ऑफ गैस का एट एनी डिफरेंट कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अदर देन एनी अदर कंडीशन, अदर देन एनी अदर कंडीशन।
अदर देन एनी अदर कंडीशन। ओके जी, कनिका जी ने यस लिखा है, चंचल जी ने भी यस लिखा है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, आसान सा मामला था, मुश्किल था नहीं बिल्कुल भी, वेरी वेरी इजी मामला चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही आसान सा मामला है ये, बहुत आसान सा मामला है, बहुत ज्यादा इजी मामला है, बहुत इजी सा मामला है। देखना आप जरा ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग है। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, क्या फॉर्मूला निकल करके आया, क्या फॉर्मूला निकल करके आया, V गैस इज इक्वल टू I इंटू टी बाय एन एफ आर टी ओवर टी। ये टाइम है, टेम्परेचर है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो यूनिट्स जरूर से जरूर याद कर लेना। अगर प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी है, या फिर बोलूं पास्कल के हिसाब से दी है, तो जो हम आर की वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे 8.314 वैल्यू मैं यूज करूंगा। ध्यान से सुन लो इसको, किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको प्रेशर जो है वो पास्कल दे दिया है या न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो आर वैल्यू बात करूंगा किसके बारे में, 8.314 बात करूंगा। ऐसे में जो आर की यूनिट होती है वो आपकी क्या यूनिट होती है, जरा ध्यान से देख लो इस बात को भी। यहां आर की यूनिट होती है लीटर बार पर कैलविन पर मोल, पर कैलविन पर मोल, ध्यान से देख लेना। आर की वैल्यू क्या यूज की मैंने, 8.314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और जब ये यूज करूंगा तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल करके आएगी, जो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी मीटर क्यूब में, उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब। लेकिन अगर आपको पेपर में प्रेशर जो है वो एटमोस्फियर लिख दिया है, ATM लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू 0.821 के आसपास हम लेंगे, लगभग 0.881 के आसपास हम लेंगे, याद रखना जरा ये बात भी। ऐसे में इसकी यूनिट क्या होती है, एटमोस्फेयर फीट क्यूब, एटमोस्फेयर। R की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या लेंगे जी, हम R की वैल्यू हम लेंगे 0.83 लिख लो इसको, 830 के आसपास। यहां जो R की यूनिट होंगी वो क्या होंगी, दैट इज गोइंग टू बी एटमोस्फेयर फीट क्यूब पर मोल R इनवर्स। ठीक है, पर मोल R इनवर्स। यहां इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, ये R की वैल्यू लिखी है मैंने, R की वैल्यू ये वाली लेनी है। और यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल करके अब आएगी, दैट विल बी इन लीटर्स, इन लीटर्स, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बात, ये जरूर से जरूर आप याद रख लेना। ठीक है, यानी प्रेशर की यूनिट पे डिपेंड करेगा कि आर की कौन सी वैल्यू लेनी है। आर की तीन वैल्यूज होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ये फॉर्मूलाज जरूर से जरूर याद कर लेना। फैराडे का सेकंड लॉ छोटा सा लॉ है कि जो वेट डिपॉजिटेड होता है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करता है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं और वेट डिपॉजिट की एक सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया, सेम अमाउंट ऑफ करंट या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, तो किसका वेट कितना ज्यादा या कितना कम डिपॉजिट होगा वो डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। सेकंड लॉ जो बताता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करता हूं साइड बाय साइड, सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता हूं दोनों सॉल्यूशन से, तो इक्विवेलेंट वेट जिसका ज्यादा उसका ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम उसका कम वेट डिपॉजिट होगा, ये सेकंड लॉ है। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारा का सारा मामला यहां पर है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यस सर, क्लियर, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जी, जरा देखना जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन कर दो और इसका आंसर बताओ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों से करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन, लिख लो इस बात को फटाफट, ये क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन लिखने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, व्हेन 5 एम्प करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, एक घंटे के लिए अगर हम इसे यूज करें तो, ठीक है, ऑप्शन आपको जो दिए हैं दैट इज ऑप्शन ए इज 4.2 ग्राम, ऑप्शन बी जो आपको दिया है दैट इज गोइंग टू बी 5.8 ग्राम, ऑप्शन सी जो आपको दिया है वो आपको दिया है 6.6 ग्राम, और ऑप्शन डी दिया है 8.2 ग्राम। बता दो फटाफट, बस आंसर दे दो इसका, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी तुरंत अगला क्वेश्चन दूंगा, थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आज की क्लास को यहां एंड करेंगे। बताना इसका जवाब सभी, अपने अपने कॉपी पेन पे ट्राई करो, सब लोग निकालने की कोशिश करो, सभी लोग निकालने की कोशिश करो इसको। सभी लोग निकालिए फटाफट, फटाफट आंसर निकाल दो, फटाफट आंसर बता दो मुझे फटाफट। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, सब कुछ दिया तो है। सब कुछ दिया है सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। W किसके बराबर है? ZIT के बराबर है। Z की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर वेट ओवर NF IT। I आपको दिया है, T आपको दिया है, T 1 आर दिया है, तो T को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, कितना सेकंड होगा? 1 × 60 × 60, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, और I की वैल्यू कितनी दी है? 5 एम्प, ये तो स्टैंडर्ड दे ही रखी है। मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का कितना होता है? 63.5 होता है। कॉपर के लिए N वैल्यू कितनी है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, किसमें? Cu में। बेसिकली आपको एक चार्ज देखना होता है, या सिंपल सा चार्ज देखना होता है, तो ये चार्ज कितना है? प्लस 2 है, तो N वैल्यू 2 होगी, और F की वैल्यू आपको पता है 96500 होती है। बस इसे सोल्व करना है और आंसर बता दो, इसे सोल्व करके आंसर बता दो। बी आंसर बता रहे हैं लोग, तो अगर आप बी बता रहे हो तो बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जरा क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। देखना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaOH सॉल्यूशन, देख लेना स्टेटमेंट पे ध्यान देना, यानी अब कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसका भी OH, वाटर का भी OH, H पॉजिटिव भी अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। NaCl सॉल्यूशन, नॉट OH, Cl लिख लो, एक और आयन ऐड कर दिया, ये लो मजे आ गए, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, 10 मिली एम्पियर करंट, 10 मिली एम्पियर करंट को पास किया गया, किससे? डाइल्यूट एक्वस NaCl से, डाइल्यूट एक्वस NaCl से, ठीक है, लिखते जाओ इसको। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ Cl2 गैस इज, बताओ इसको, ऑप्शन दूं या ना दूं इसका बता दो। सबका सही है, जिन्होंने बी दिया था उनका सही था पहले का, ऑप्शन दे दूं क्या इसके? ऑप्शन ए लिख लो, ऑप्शन ए है 6.4
इंटू 10^4 सेकेंड। ऑप्शन बी जो है आपका दैट इज 9.15 इंटू 10^4 सेकेंड। ऑप्शन सी जो है दैट इज 3 इंटू 10^4 सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 10^4 सेकेंड। बस सब सेकेंड में है। इसका आंसर निकाल दो फटाफट, इसका आंसर निकाल दीजिए। कैसे होगा ये क्वेश्चन? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सीएल गैस निकली है ये आपको बता दिया है, मुझे पता है एक्वा सॉल्यूशन जाते ही मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मेरा ध्यान जाना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस में, किसमें, यानी Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से केवल और केवल कोई एक रिड्यूस होगा। ये मुझे पता है कि H2 रिड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बना देता है, गैस बना देता है। H2 के लिए N वैल्यू कितनी, 2 आएगी, याद रखना क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा ट्रिकी है हल्का सा। अच्छा Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देता है, Na बना देता है, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी क्योंकि H2 है, तो H2 कंपेटिटिवली जीत जाएगा। दूसरी बात मुझे पता है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कंपटीशन है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कंपटीशन है कि वो क्या बनाए, कौन गैस बनाए। यहां से ये गैस बना सकता है Cl2, ये मुझे पता है, मैंने आपको बता ही दिया था आज पढ़ाते टाइम कि इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा होती है, तो 2Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, या तो यही स्टोइकियोमेट्री को सारे को 2 से डिवाइड कर दो ताकि जो चार्ज है वही एन वैल्यू आ जाए, या आप इलेक्ट्रॉन को वो लेकर के चलो। आप ज्यादातर हमेशा ऑलवेज इसमें याद रखना, जो चार्ज है उसी को एन वैल्यू लेकर के आपने चलना है, ऑलवेज डू रिमेंबर। यानी Cl2 गैस निकल रही है, इस पूरे सिस्टम में 2 गैसेस निकल रही हैं, H2 गैस और Cl2 गैस। आपसे पूछा है कि Cl2 गैस 0.01 मोल कितने समय में निकलेगी, आपसे H2 भी पूछ सकता था, आपसे Cl2 पूछा है, बस आपको वो बताना है। चंचल शर्मा जी ने उत्तर दिया है सी, और किसी का अभी उत्तर आया नहीं है, यानी कि आपको ये करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ये मुझे ऐसा लगता है। आपने सी उत्तर दिया है, चंचल शर्मा जी ने सी उत्तर दिया है, चंचल शर्मा जी ने क्या किया है, सी उत्तर दिया है। देखना जरा कैसे है ये, देखना जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को, बिल्कुल इजी सा मामला है। देखो Cl2 गैस निकल रही है, कब निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे कौन, 2Cl नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। देखना जरा यूनिटरी मेथड से करो, क्वेश्चंस को बड़े आसानी से होंगे, फॉर्मूले की बजाय आप यूनिटरी से जा सकते हो। जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूला लगाओ तो और भी बेटर है, यूनिटरी से मैं समझा देता हूं। देखना क्या बोल रहा हूं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मोल ऑफ Cl2 निकलता है, 1 मोल ऑफ Cl2, यानी क्या बोल सकता हूं, 1 मोल Cl2 के निकलने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे चार्ज चाहिए। तो 0.01 मोल ऑफ Cl2 निकलने के लिए कितना चार्ज चाहिए 2 × 0.01 फैराडे, यानी कितना, 0.02 फैराडे। इतना क्या चाहिए, कितनी Cl2 निकलने के लिए, 0.01 मोल Cl2 निकलने के लिए इतना चार्ज चाहिए, दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज यानी माने क्यू, ये है क्यू, किसके बराबर होता है, क्यू होता है आईटी के बराबर। टी आपको क्या करना है, निकालना है। आई दिया है 10 मिली एम्प दिया है,
यानी क्या कर दो बस सिंपल 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 96500 इक्वल टू 10 मिलीएम्प, 10 मिलीएम्प को आप क्या कर दीजिए एम्पियर में बदल दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए टी की वैल्यू निकाल लो, बस खत्म मामला, बस खत्म मामला, और तो कुछ करना ही नहीं है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, और तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना है बस, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर H2 के लिए पूछ लेता सेम आंसर आता, सेम आंसर आता, क्योंकि H2 का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही है, देखना जरा H2 क्या करता है 2H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है किसमें H2 गैस में, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 1 मोल ऑफ H2 में, एक मोल के लिए दो इलेक्ट्रॉन मोल, दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 फैराडे चार्ज से एक मोल H2 निकलती है, और 0.01 H2 अगर निकालनी होती तो 0.02 फैराडे चार्ज चाहिए होता, और अगर चार्ज इतना है और करंट मुझे पता है T में निकाल सकता हूं, क्योंकि चार्ज मुझे पता है, चार्ज मुझे पता है, और इसी के साथ साथ मुझे क्या क्या पता है, आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, तो टी मैं निकाल लूंगा, बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, सी उत्तर आपका आ जाएगा, सी विल बी योर आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, 4 मोलर एक्वस NaCl इज प्रिपेयर्ड, देखना क्वेश्चन, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 मोलर, मोलैरिटी दे दी है, एक्वस, एक्वस NaCl इज प्रिपेयर्ड, एक्वस NaCl बनाया कितना 4 मोलर, एंड 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एंड 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, इसके 500 ml को क्या किया गया है, इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, जिसकी वजह से क्या निकला CO2 निकला, तो आपसे पूछा ये गया है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इवॉल्वड, Cl2 निकला ये बता दिया, और फिर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको क्या बताना है, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इवॉल्वड, इवॉल्वड कितने नंबर ऑफ मोल Cl2 के निकले हैं ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, बता दोगे क्या, बता दोगे क्या, और कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है, ओनली इतना सा क्वेश्चन है, 4 मोल ऑफ 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का 500 ml लिया, इलेक्ट्रोलाइज किया, ना करंट परंट कुछ नहीं दिया, और बोला कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 बता दो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 बता दो, बता दोगे क्या, बता दोगे क्या, देखना मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में, ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है 4 है, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, ml को आपको क्या करना है लीटर में चेंज कर देना है, तो कर दो भाई लीटर में चेंज, लीटर में चेंज कर दिया, कितना गया, कितना गया 0.5 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के निकल करके आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी कितना निकल करके आया ये, दिस विल बी 2 मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट क्या है NaCl 2 मोल, कैसे रिएक्शन करता है, Na में जाता है प्लस Cl2 निकलता है, 2Na प्लस Cl2, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट यही है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट तो यही बनते हैं, हमने देखा था अभी आज ही के लेक्चर में, तो यानी क्या बोल रहा हूं, इसके 2 मोल जब होते हैं किसके, सॉल्यूट NaCl के, तो 1 मोल Cl2 बनता है,
वन मोल सीएल टू बनता है, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कितने मोल निकलेंगे, तो मोल निकलेंगे कितने, वन मोल निकलेंगे कितने, वन मोल। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, आज का ये लास्ट सवाल था, आज के इस सेशन में इतना ही, ये कर लेना भाई प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट बहुत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, कल या जब भी, बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, और आगे की तरफ पढ़ेंगे, जितना भी टॉपिक हमारा रिमेनिंग है वो सब पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, होप यू अंडरस्टूड इट।